वाला वो है So what is up guys, आ चुके हैं एक और कतई मस्त वाले गेम प्ले के साथ में। तो गाइस आज वाला गेम प्ले काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अपन ने स्टार्ट कर दी स्क्वाड में रैंक पुशिंग। सो बेसिकली देखो ना, आज हम लोग खेले थे रैंक पुशिंग के, मतलब हमने सोचा कि कॉन्कर पुश करते हैं स्क्वाड में, क्योंकि अभी लॉकडाउन वगैरह भी लग गया तो टाइम पास हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो उसके लिए मैंने फिर रैंक पुशिंग स्टार्ट कर दी और जो तीन मैच खेले ना भाई, लिटरली मैं इतना मजा आया ना, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला मैच है इसमें आई इंडो लॉबी और आप लोग मेरी नीचे पिंग देख सकते हो बहुत ज़्यादा हाई है। और गेम की बात करने से पहले मेरे को एकदम से याद आ गया तो मैं वो आप लोग को बता दूँ। देखो COVID-19 है ना भाई साहब, बहुत ज़्यादा जोर से बढ़ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा जोर से बढ़ रहा है। तो प्लीज़ से है ना, घर के अंदर रहो, सेफ रहो और जितना हो सके अपने मम्मी पापा को बोलो कि आप लोग बाहर ना जाओ, अपने भाई को बोलो बाहर ना जाए, कोई भी मतलब बाहर जाने से बचो, सीरियस बात ये है। तो देखो मेरा मतलब मन किया कि आप लोग को मैं बता दूँ तो इस वजह से मैंने बता दिया। अभी बाकी गेम प्ले की बात कर लेते हैं और जितना हो सके ना उतना आप लोग अपने मतलब फ्रेंड्स वगैरह से बता दिया करो ये चीज़ें कि बाहर ना जाए, सब कुछ मतलब कर दिया करो ये चीज़ें ना, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कोरोना तो इस वजह से बोल रहा हूँ। ओके सो अभी गेम प्ले की बात कर लेते हैं, वो नॉर्मल बातें तो हो ही गई है ना। सो यहाँ पे बेसिकली मैंने जब स्प्रे दिया था ना तो उतने में टीममेट ने एक नॉक किया था, तो मेरे को लगा भाई क्या पता नॉक हो गया दिखे, लेकिन नॉक नहीं हुआ था वो। और यहाँ पे भाई जो आप लोगों ने स्टार्टिंग देखी थी उसमें आप लोगों को पता चले गया था एक एनिमी के पास था ब्लड एक्स रेवन सूट, तो वो मेरे को भयंकर तरीके से चाहिए था। मैंने सोच रहा था कि भाई देख ऐसे तो मिलेगा नहीं, क्रेट ओपन तो अपन कर नहीं सकते, तो इस वजह से मैं सोचा कि यार इसको मारेंगे और फिर लेंगे कतई बूम बम मचा देंगे। तो इस वजह से देखो क्या मार पाते उस बंदे को या फिर नहीं, उसके लिए तो आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और मजा तो आप लोग को फुल आने वाला है क्योंकि भाई फाइट्स एक नंबर हुई है, इंटेंस लेवल की फाइट्स हुई है। और इधर एंड में मैं 1v3 जाने 1v2 ऐसे क्लच भी करता हूँ, मुझे याद नहीं ढंग से यार, क्योंकि भाई ये कल का गेम प्ले शायद से, कल या परसों का गेम प्ले है क्योंकि बहुत मस्त वाला गेम प्ले था, दैट्स वाई मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ। काफ़ी मजे आए थे हम लोग को ये वाला गेम खेलने में। और ये और दो और है इसके अलावा, वो मिरामार के है तो वो डालू या नहीं डालू वो भी आप लोग मेरे को बता देना। सो बेसिकली अब देखो एंजॉय करो ये फाइट को, सो इसी के साथ में अपन ने ये वाली टीम को भी निपटा दिया। और ये वाली टीम बिल्कुल कॉम्पिटेटिव तरीके से खेल रही थी, दो दो गाड़ियाँ लेके जा रखी थी और उसके बाद इधर से लूटते हैं, लूटने के बाद सीधे से गाड़ी उठाते हैं और गाड़ी उठाएंगे निकल जाएंगे। सो यहाँ पे बेसिकली हमारी लूट कंप्लीट हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि कब तक हमारी फाइट होती है उस वाली टीम से। उससे पहले ये वाली टीम मिलती है हम लोग को जो कि भाई काफ़ी स्प्रेड होकर खेल रही थी और ये बंदे मतलब लाइक प्रॉपरली इंडो लॉबी भाई, मैं मतलब हर जो भी टीम है ना हर टीम इंडो लॉबी से फाइट हुई है। आप लोग किल फीड भी चेक कर सकते हो, मतलब चारों मतलब हर बार बंदे ना इंडो के आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाओ कि इंडियन बंदे तो बहुत कम है इस वाली लॉबी में, तो भाई बूम बाम तो होने वाला है। तो अभी इंजॉय करो ये वाली फाइट्स को, ये वाली फाइट में किस तरीके से किल निकालते हैं वो चीज़ देखो। Watch out! सो बेसिकली ये वाला बंदा ESP के अंदर नहीं आता है लेकिन मैं फिर भी मैं इसको कैसे तैसे करके मार देता हूँ क्योंकि मेरे को आराम से दिख गया था ये बंदा। पहले तो मैं हेल्थ कैंसिल करता हूँ और उसके बाद मार देता हूँ और उसके बाद सीधे से निकलते हैं आगे ड्रॉप पे जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे होती है भाई इंटेंस लेवल की फाइट। तो हम लोग ना बेसिकली उन जो ब्लड एक्स रेवन वाला था ना उस बंदे को ढूंढ रहे थे, उसके पास मिथिक फैशन भी था तो मतलब
मन तो कर रहा था कि भाई उसको भयंकर तरीके से मारना है, लेकिन क्या मार पाएंगे वो चीज़ आप लोग को अभी पता चल जाएगी थोड़ी बहुत देर में, क्योंकि नेक्स्ट वाली फाइट शायद से उसी से होगी। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर से फाइट ले रहे थे, लेकिन मैं इधर नॉक नहीं करता हूँ, जस्ट सिंपल मैं इधर फायर वगैरह दे रहा था। उतने में भाई साहब पीछे से थर्ड पार्टी हो जाती है, तो हम लोग इधर से गाड़ी लेके निकल जाते हैं और पहले तो पीछे वाली टीम को निपटाएंगे। उतने में टीममेट एक नॉक कर देता है, लेकिन इधर नॉक करने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि हम लोग सीधे से पहले दूसरी वाली टीम को निपटाने चले गए। तो देखो किस तरीके से मारते इस वाली टीम को। तो ये वाली टीम को भी अपन ने आराम से निपटा दिया, और ये वाली टीम भी काफी अच्छे खेल रही थी, पीछे से थर्ड पार्टी कर रही थी, लेकिन इनकी क्या गलती होती है कि ये ओपन में फंस जाते हैं और अपन इनको आराम से निपटा देते हैं। उसके बाद में जो स्क्वाड हाउस वाली टीम थी ना, वो भी निकल जाती है और हम भी निकल जाते हैं। और यहाँ पे मेरे को M249 मिल चुकी थी, तो भाई M249 से जो क्लच करूंगा ना एंड में, भाई मजा आ जाएगा आप लोग को देख के। और उससे पहले यहाँ पे एक टीम, तो जैसे ये वाली टीम आती है तो मैं इधर ESP वगैरह फेंक देता हूँ ताकि ये बंदे ट्रैक हो सके। ये वाली टीम काफी ज्यादा मतलब कदर खतरनाक होती है, ये चीज देख के आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे आया भाई प्री कुकड नेड, लिटरली मैं जरा सा आगे जाता ना मैं खत्म था मैं उधर ही, और ये बंदे आराम से पुश करते, और ये बंदे वो ही है मिथिक फैशन वाले और वो वाली टीम वाले ना। तो सीधे से मैंने पुश किया, और आराम से इस वाली टीम को निपटा दिया। तो आप लोग स्टार्टिंग में देखा होगा ये असला हैरी, यही बंदा था मिथिक फैशन वाला और ब्लड एक्स रेवन सूट वाला, लेकिन यहाँ पर गलती हो जाती है कि भाई साहब मेरे पास रिसोर्स पैक नहीं होता और मैं उसकी क्रेट मतलब जो ड्रेस है उसको उठा नहीं पाता, और शायद से वैसे उठा भी नहीं पाते हैं इनको। और इसी के साथ में ये वाला स्प्रे कैसा लगा भाई, इस वाले स्प्रे के लिए तो लाइक बनता है यार, अभी तक भी लाइक नहीं, फटाक से लाइक कर दो। ओके तो उसके बाद हम लोग सीधे से निकल जाते हैं क्योंकि लास्ट का बंदा बचा था, शायद लास्ट ही बचा है ना, नहीं दो बंदे और बचे हैं, तो अभी उनको भी आराम से निपटाएंगे। सो देखो ब्लड एक्स रेवन वाला सूटन उसको उठा नहीं पाते, शायद से फेरो के साथ भी यही सीन होता था। और उसके बाद आता है यहाँ पे, सो बेसिकली यहाँ पे मैं नेट कर रहा होता हूँ और टीममेट भाई फुल प्रेशर डाल रहे होते हैं इस वाले बंदे पे, तो ये बंदा पीछे की साइड कूद जाता है, और देखो किस तरीके से निपटाएंगे इस वाले बंदे को। और यहाँ पे थोड़ा सा साउंड का भी ग्लिच होता है क्योंकि रिकॉर्डिंग दोबारा होती है, एक्चुअली में क्या होता है ना कि रिकॉर्डिंग कट के दोबारा हुई होती है, तो इस वजह से ये साउंड का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। और आराम से अभी एक बंदा बचा हो जिसको भी अपन आराम से निपटा देंगे। तो तब तक यार सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत दिन हो गया आप लोग ना तो सब्सक्राइब करते ना नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करते, तो यार कर लिया करो। देखो क्या क्या दुश्मनी भाई, कर लो यार इसका करो, शेयर भी कर दिया करो क्योंकि मजेदार कंटेंट आने वाला है अभी थोड़े बहुत दिनों में, बस ये कोरोना खत्म हो जाए या फिर लॉकडाउन लग जाए, बस मत यही चाह रहा लॉकडाउन लग जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई देश के अंदर बहुत बुरी हालत है। तो देखो मैं बार बार नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी अगर जितना ज़्यादा बोले जितना ज़्यादा आप लोग के कानों में डालने ये चीज़ें वो बेटर रहेगी। देखो हमारे गाँव में तो लाइक जो बड़े बुजुर्ग हैं ना वो मानते हैं नहीं, फालतू में गाली वगैरह देते हैं मोदी को, लिटरली मेरे को इतना गुस्सा आता है कि मैं उनकी ना फोटो डाल दूँ भाई सोशल मीडिया पे, लेकिन क्या ही करें नहीं डाल सकते, मेरी हस्ती से हो जाएगी वरना। तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि क्या ही बोले अभी करना तो बहुत कुछ चाहता लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि फिर मेरी पिटाई हो जाएगी बुरी तरीके से अगर मैं फोटो वगैरह डाल दिया था। सो गाइस होप सो गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी वीडियो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।